इस फोन में गाइस आपको मिलता है 4K का डिस्प्ले जो कि सुपर प्रेजी है और यह आप पा सकते हैं जस्ट दस हजार रुपए के प्राइस रेंज में कैन यू बिलीव ऐसा ही है वेलकम बैक टाइम फॉर टेक इस सीरीज में हम पुराने फ्लैगशिप फोन्स जो कि बहुत ही सुपर एक्सपेंसिव प्राइस में लॉन्च हुए होते हैं आज की डेट में वो एकदम बजट फोन के प्राइस में मिलते हैं उनको हम ट्राई करते हैं ये देखते हैं कि क्या ये फोन अभी भी वर्थ है मुझे यकीन नहीं था कि जब मैंने ट्विटर पर जैसे एक रैंडमली इस फोटो को शेयर किया कि मैंने इस फोन को दस में बाय किया लाइक इंस्टेंटली हजारों लोग वेट कर गए लाइक बीस हजार लोग ज्यादा लोग देख लिए कि क्या ये फोन है कहाँ से बाई किया सब कुछ मैं आपको सारी बातें बताता हूँ ये सोनी का फ्लैगशिप लाइनअप का है एक्सपीरिया वन सीरीज का है मार्क टू अब ये फ्लैगशिप फोन था तो, तो इसमें सारे आपको फीचर्स कटिंग एज मिलेंगे चाहे वो बिल मटेरियल हो चाहे डिस्प्ले हो चाहे सीपीयू हो चाहे कैमरा स्पेक्स हो, हो, हो वो उस टाइम के सबसे लेटेस्ट थे अब ये देखने गए चूंकि ये फोन साढ़े तीन साल पुराना है तो आज की डेट में जो इसके स्पेक्स दिए गए हैं वो आज के बजट फ़ोन से कितना मैच करते हैं दस हज़ार पंद्रह हज़ार बीस हज़ार पच्चीस हज़ार किस रेंज में स्पेक्स फिट करते हैं करते भी हैं कि नहीं भी करते हैं जब फर्स्ट टाइम मैंने फ़ोन को होल्ड किया तो ऑफकोर्स का ये एकदम सुपर प्रीमियम एक्सपीरियंस दे रहा है बिकॉज जो बिल्ड मटेरियल है उसके बारे में बाद में बात करेंगे लाइक यूजली आप कोई भी फ़ोन देखते हैं आप कोई भी फ़ोन देख लेंगे ना तो उनमें आपको क्या लगेगा कि वो सारे फ़ोन वाइड बहुत होते हैं सोनी का ओनली फोन है जो थोड़े से ना आपको टॉल फॉर्म फैक्टर मिलता है ट्वेंटी मिलता है यानी कि ये लंबा ज्यादा होता है चौड़ा कम होता है तो उसे एक मेरे को एक्सपीरियंस ये मिला कि फोन में बहुत कंफर्टेबली होल्ड कर पा रहा हूँ डिजाइन आई पी सिक्सटी एट प्लस आई पी एक्स फाइव है एलुमिनियम का फ्रेम है नॉट जस्ट दैट आपको मैं सुपर क्रेजी फैक्ट दिखाता हूँ इसमें कोई भी स्पीकर मॉड्यूल नहीं दिया गया है लाइक like, ऐसा फोन मैंने नहीं देखा था अभी तक आया होगा आई एम नॉट होगा डेडिकेटेड कैमरा शटर जो मैं लास्ट टाइम मैंने लुमिया फोन में यूज किया था वहां पे था फिंगरप्रिंट सेंसर वॉल्यूम बटन ऑन टॉप आपको यहाँ पे फ्लैगशिप में हेडफोन जैक मिलता है एंड नॉट जस्ट दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिम कार्ड का स्लॉट है जब हमने टू जी का एक फाइव जी फोन ट्राई किया था तो वैसा था यहाँ पे आपको पिन नहीं चाहिए जस्ट आपको ऐसे क्लिक करना है और ये बाहर निकल गया है आई थिंक अब ये निकल गया है तो फोन शायद रिस्टार्ट हो जाएगा ये एक्सपीरियंस आपको कोई भी बजट फ़ोन आजकल का नहीं दे सकता अगर आप बीस पच्चीस हज़ार तक भी चले जाते हैं बिकॉज जो मेटालिक फ्रेम मिलता है वो ऑफकोर्स आपको जैसे कि अगर आप चालीस पैंतालीस रेंज का फ़ोन ट्राई करते हैं लाइक like अगर आप ऐसा कोई लेते हैं ना पचास हज़ार के रेंज का फ़ोन पैंतालीस हज़ार के रेंज का फ़ोन तब वो आपको मेटल ग्लास सब कम्बिनेशन मिलता है यहाँ भी देखिए कूल cool क्या है कि चूँकि टॉलरट डिस्प्ले है तो अगर आप मीडिया कंज्यूम करते हैं तो आपको मज़ा बहुत आने वाला है गेम प्ले करेंगे तो मज़ा बहुत आने वाला है लेकिन यहाँ पे आपने नोटिस कर लिया होगा जो कि ट्वेंटी वन इंस टू नाइन यहाँ पर आपको टॉप एंड बॉटम में यू you नो know, बेजल और चिन मिल जाएगी बिकॉज उस वक्त का ट्रेंड उतना ज़्यादा नहीं था कि आपको एकदम सुपर बेजल्स फ़ोन में जैसे हमने रिसेंटली अभी आई का फ़ोन ट्राई किया तो उसमें बेजल्स बहुत कम थे ये चीज़ें उस टाइम पे रहती थी कमाल की चीज़ ये है कि ये फोन आपका 4K डिस्प्ले सपोर्ट करता है यानी कि अगर आप नेटफ्लिक्स YouTube में कोई 4K कंटेंट प्ले करते हैं तो वो ऑफकोर्स आपको दिखने में बहुत शार्प एक्सपीरियंस देंगे बट हाँ बैटरी बहुत ज़बरदस्त ड्रेन होती है अगर आप फोर के में कंटेंट्स प्ले करते हैं ये अगर तो जैसे आप कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो यहाँ पे अगर वो फोर के सपोर्ट होते तो खुद ही वार्निंग आ जाती है कि लाइक नोटिफिकेशन आता है कि आप उसको फोर में प्ले करके और बढ़िया एक्सपीरियंस ले सकते हैं अब सवाल ये है कि क्या ये फोर आप फील कर पाएंगे नो no, आप फील नहीं कर पाएंगे कि आप फोर डिस्प्ले चला रहे हैं बिकॉज आजकल के डिस्प्ले भी इतने शार्प हो गए जो हेमलेट हो गए इतने ब्राइट एंड शार्प है कि आपको वो डिफरेंस नजर नहीं आएगा आंटिल ने साहब अगल बगल रख के यू नो देख के इंजॉय करने की कोशिश नहीं करेंगे ये स्नैपड्रैगन एट सिक्सटी फाइव है फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेस था तो परफॉर्मेंस भी इसमें बहुत ही अच्छी ऑफकोर्स आपको मिलेगी अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ट्रू गेमिंग फोन है बिकॉज इस फोन में क्या है ना कि बैटरी कम है चार्जिंग सुपर फास्ट है नहीं रिफ्रेश रेट सिक्सटी हर्ट्स का है तो आपको गेमिंग में प्योरिटी में उतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल सकता है बट इस डिस्प्ले में कमाल की बात ये थी कि यहाँ पे आपको मोशन ब्लर रिडक्शन पीछे दिया गया था जो ऑफकोर्स लाइक फ्रेम्स को थोड़ा सा स्मूथ कर देता है तो आपको बिट ऑफ लैग कम नजर आएगा अगर आप यू नो जो फ्रेम डिले होता था वो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश की गई है फ्लैगशिप ग्रेड है तीन चार से पहले आप जानते हो कि तीन चार एंगल के कैमरे मतलब तीन चार कैमरे तो पहले भी आने लगे कुछ कुछ फ़ोन तो आए थे लाइक नोकिया नाइन फ्यूर भी आपको याद है पाँच पाँच कैमरे भी आ गए थे इवन तो चले ना चले बात अलग है बट आए थे अब यहाँ पे कैमरे के सेटअप देखिए कितना कूल है इस फ़ोन से आप फोटो लेंगे ना तो नंबर वन फैक्ट आप इसमें एकदम ट्रू टू लाइव रियल फ़ोटोज लेंगे जैसा आपकी आंखें देख रही हैं वैसा आपका ये फ़ोन दिखाएगा तो एकदम वैसे ही आपको यहाँ पे शॉर्ट्स मिलेंगे कलर वालर एकदम बहुत ही एक्सेलेंट नेचुरल डिटेल आते हैं लेकिन अब सीन ये हो गया है गाइस बिकॉज इतने सालों में एआई आई फिल्टर्स इंस्टाग्राम फोटोग्राफ ये सब इतनी ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मोस्ट ऑफ द फोन्स में जो भी फोटोज आजकल आप लेते हैं चाहे वो सस्ता छः हजार का हो या आपका डेढ़ लाख हो सब में आपको वाइब्रेंट और सैचुरेटेड शॉट्स मिलते हैं बिकॉज वो इवेंचुअली ज्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में तो ये चीज यहाँ पे सर्टेनली मिसिंग लगी बिकॉज सभी फोन्स में वो चमक धमक ज़्यादा रह गई है तो ये पिक्सल लाइक आपको फोटोज देते लेकिन इवन पिक्सल की फोटोज और अच्छी हो गई हैं सेकेंड पॉइंट ये कि यहाँ पर चूँकि जो सेंसर है वो ट्वेल्व एम का सेंसर है आजकल क्या है कि 50 एम आपको छः हज़ार मिल जाता है तो उससे एडवांटेज ये होता है कि जो आप फ़ोटोज़ लेते हैं ना वो शार्प ज़्यादा होती हैं इस फ़ोन में क्या है कि फ़ोटोज़ उतनी शार्प आपको नहीं मिलेंगी कलर सही हैं डिटेल्स थोड़े से आपको मिस लग सकते हैं फ़ोन में देखेंगे तब तो आपको बहुत ही जबरदस्त लगती है जब कंप्यूटर में आप बिग स्क्रीन डालते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ पिक्सल्स कम हैं गी वाली प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपको तब लगेगी जब आप उसको कंप्यूटर में बिग स्क्रीन में देखते हैं तब मॉनिटर पे या टीवी पे पर तब अदरवाइज तो फोन में तो फोटोज़ बहुत ही कूल हैं बाकी क्वालिटीज़ आपने देख ली पोर्टेड इफेक्ट डेफ्ट इफेक्ट नाइट मोड सब कुछ सेकंड क्या है कि ये फ़ोन बेसिकली प्रो मोड के लिए ज़्यादा बना आपको थोड़ा मोड़ा प्रो सेटिंग आती है ना तब बहुत ही एक्सेलेंट शॉट ले सकते हैं एक्सपोजर आया सो ये सब सेटिंग चेंज करके ना आप बहुत ही कूल शॉट ले सकते हैं वीडियोज़ में ये अगेन आपको फोर के वीडियो देता है ओ आई एस का सपोर्ट दिया गया है वो भी कूल cool पार्ट है और सेल्फी यहाँ पे ए टी एम पी गए तो सेल्फी अभी भी बहुत ही गजब की आ रही है कलर वलर बहुत ही एक्सेलेंट आ रहे हैं यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड का भी कैमरा दिया गया है जो अगेन बहुत ही सुपर शॉट ले रहा है नॉट जस्ट दैट जो टेलीफोटो लेंस दिया गया है उसकी भी क्वालिटी बहुत ही एक्सेलेंट है तो फोटोज़ की टर्म में ये अभी भी बहुत ही ग्रेट शॉट लेता है यानी कि आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाला है यहाँ पे देखो बॉटम में और टॉप में कोई स्पीकर नहीं दिया गया आजकल सभी फ़ोन्स में क्या होता है कि टॉप में एक छोटा सा स्पीकर दे दिया जाता है जिससे थोड़ा सा एडिशनल बूस्ट हो जाता है इसमें क्या है कि डिस्प्ले में ही इट स्पीकर दिया गया है और वो दोनों जो स्पीकर हैं वो राइट एंड लेफ्ट चैनल पर हैं वो आप समझते होंगे अगर आप थोड़ा सा ऑडियो का खेल जानते हैं ड्यूअल सिमेट्रिकल स्पीकर हैं डेमो आपको मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा वहाँ आप देख लेना बहुत ही क्रिस्प आपको यहाँ पे ऑडियो मिलेगा प्लस एक और यहाँ पे मैंने फैक्ट देखा जब जैसे मैं कोई भी वीडियो प्ले करता हूँ तो यहाँ पे डायनेमिक वाइब्रेशन का भी फीचर दिया येगा नहीं कि आप थोड़ा सा बेटर हैप्टिक चाहते हैं ना म्यूजिक के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा झुंझनी ज्यादा पसंद है तो वो उसमें आप ले सकते हैं तो ये भी कमाल की बात है इस फोन में आपको फोर थाउजेंड की बैटरी मिलती है जो कि आज के स्टैंडर्ड की गाइस एकदम नहीं आजकल 5000 तो मिनिमम है प्लस बैटरी की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है चार्जिंग तो 150 200 250 भी पहुंच चुकी है तो ये सारी चीजें मिसिंग मिलती हैं जनरल यूसेज मैंने इस फ़ोन को जब यूज़ किया जस्ट फुल एच पे तो मुझे एक दिन का बैकअप मिल गया कैजुअल यूज में जब मैंने फोर के यूज़ किया तो आधे दिन से के आसपास रात तक आते थे फ़ोन मर गया तो ये वेरी कर सकता है आप कैसे यूज़ करते हैं बिकॉज़ चार्जिंग भी स्लो है बैटरी कैपेसिटी भी कम है तो आपको एक्सपीरियंस उतना बढ़िया नहीं मिलेगा आप कैसे यूज़ कर सकते हैं करते हैं वो वाली कहानी है यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिलती है कूल cool पार्ट है आपको फ्लैगशिप की सारी चीज़ें मिलेंगी और पावर डिलीवरी भी है रिवर्स वायरस चार्जिंग भी है सब कुछ यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ओके okay, तो फ़ोन के बारे में गाइस सुख मैंने आपको बता दिया कि फ़ोन कैसा लगा इसमें क्या क्या फ़ीचर हैं क्या क्या आप पा सकते हैं अब सबसे बिग क्वेश्चन कि आप कहाँ से बाय करें दो प्लेसेस हैं जहाँ से आप बाय कर सकते हैं ऑफलाइन का क्या है कि अभी रिसेंटली मैं ऑफलाइन मार्केट गया था तो वहाँ मैंने इस फ़ोन को कई रेंज में देखा अब ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था वर्ल्ड में सिर्फ तीन कंट्रीज में लॉन्च हुआ था जापान जहाँ की सोनी कंपनी है तो प्राइमरीली वहीं सोनी ज़्यादा सेल करती है प्लस यू एस एंडी चूरोप यानी जहाँ पे और इंग्लैंड इंग्लैंड जो कंट्री आती है वहाँ पे लॉन्च हुआ था तो ये वहीं मिलता है और इंडिया में अगर ये आता है तो यहाँ से इंपोर्ट किया जाता है वहाँ से तब यहाँ पर फोन आता है ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या है कि जब मैंने ऑफलाइन देखा तो मुझे ये कई रेंज का मिला लाइक like अगर आप थोड़ी सी स्क्रैचेस कंडीशन मिलेंगे डिस्प्ले पे या बॉडी पे तो वो आपको दस साढ़े दस मिल जा रहा है थोड़ा सा अच्छी कंडीशन लेंगे यानी कि जैसे कि ये कंडीशन है जिसमें कोई भी स्क्रैचेस कुछ नहीं लगे तो ये आपको पंद्रह तक आसानी से मिल जाता है अब मैंने बाय किया है इसको ऑनलाइन से ओवंतिका डॉट कॉम से रीज़न कि मुझे पहली बार तो वहीं दिखाई पड़ा तो मैंने बाय कर लिया मुझे ये फ़ोन मिला डील में ग्यारह हज़ार नौ सौ निन्यानवे का यू नो डील्स आती रहती जाती रहती हैं बॉक्स वॉक्स सब कुछ मिला मुझे कंडीशन बहुत ही अच्छी मिली सब कुछ इवन तो हमने ओवंतिका बहुत पहले ट्राई किया था मैं मुझे हमने कोई आईफोन मंगाया था वहाँ से तो मुझे सारी चीज़ें मिल गई कंपेडेबल केबल एक्सेसरीज चार्जर सब कुछ आप यहाँ से बाई करेंगे तो पा सकते तो मुझे तो सही डील मिल गई आपको बाई करना है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इंस्टेंटली सेम डे इसको ना बाय करें आपको डील्स देखनी पड़ेंगे बिकॉज़ कभी प्राइस ज़्यादा आता है कभी प्राइस कम आता है वो वेरी करता था मैं इस फ़ोन को अराउंड वन मंथ से वन एंड हाफ मंथ मैंने ऑब्जर्व किया जब मुझे लगा कि प्राइस कम हुआ है मैंने गपट लिया ठीक है तो ये आपको करना पड़ेगा ऑफलाइन से बाई करते देखिए वहां पर रिस्क ये कि आपको कोई भी वारंटी सपोर्ट नहीं मिलता है आई थिंक अगर आप ऑनलाइन से बाई करते हैं तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है जो इंपोर्टेड वाइज होती है कोई भी इशू से तो आपका फोन रिप्लेस कर दिया जाता है तो ऑनलाइन बाय करेंगे बेटर डील है अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आप इस फोन को चलाएं कि ना चलाएं देखो ऐसे प्राइमरी फोन मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा कि बिकॉज कुछ चीज़ें ना आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं जैसे कि अगर आप जैपनीज यूनिट बाई करते हैं तो उसमें 5G नहीं आता इवन दो ये 5G सपोर्ट करता है अगर आपका डिवाइस वेराइजन टी मोबाइल यानी कि यू एस और यूरोप का आया है तो वहाँ पे 5G चलेगा तो बाई करने से पहले आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप कहाँ से बाई कर रहे हैं और यू you know, नोट चेक करना पड़ेगा सेलर से सेकेंड इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको प्रॉब्लम इसलिए दे सकती है बिकॉज फर्स्ट है कि बैटरी बैकअप वो थोड़ा सा इशू है रिफ्रेश रेट का क्या है कि देखो अभी भी आईफोन 15 60 ईयर्स पे आता है अगर आप आईफोन चला रहे हैं तो सिक्सटी ईयर्स की आपको आदत है आप आईफोन ट्वेल्व थर्टीन मिनी चला रहे हैं आपको कम बैटरी बैकअप फोन की आदत है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं ये भी चल जाएगा प्रॉब्लम नहीं करने वाला है हाँ बाकी अदर चीज़ें काफ़ी कूल हैं लेकिन कैमरे का क्या है कि आपको थोड़ा सा प्रोमोट सीखना पड़ेगा अगर आपकी ऐसी आदत आप जैसे ने क्लिक किया आपने फटाक से फोटो कैप्चर हो गई तो शायद आपके लिए कोई शॉट मिस हो सकते हैं तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एज अ बैकअप फ़ोन इसको आप ले सकते हैं ऐसा इंतजियाज़ फ़ोन अगर आपने सोनी नहीं चलाया आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप ले सकते हैं तो इन कुछ शर्तों पे आप इस फोन को ट्राई करिए बाकी इलेक्ट्रॉन अगर आप ये फोन अभी भी चला रहे हैं आई एम श्योर बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में बताए थे ट्विटर में कि वो अभी भी चला रहे हैं कैसा चल रहा है आपका क्या एक्सपीरियंस है मेरा एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है बिकॉज साढ़े तीन साल में फ़ोन की बैटरी भी चेंज आती है पहले किस कंडीशन में था क्या था तो वो चीज़ें वेरी कर सकती हैं दैट्स इट गाइस हैंज ओल्ड इज गोल्ड टेक लेट मी नो किस नए फ़ोन को हम ट्राई करें जो आपको लगता था कि पास्ट में सुपर अमेजिंग था और आज भी वो एक सीरियस किलर डील हो सकती है थैंक यू सो मच गाइज एज ऑलवेज सी द नेक्स्ट वीडियो टिल देन ग्रेट डे